हेलो सीए पार्टिसिपेंट्स, इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के आंसर स्क्रिप्ट्स देखेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे राइटिंग सेक्शन बैच के स्टूडेंट्स हैं। राइटिंग सेक्शन बैच अब खत्म हो गया है और राइटिंग सेक्शन बैच में हमने लास्ट में मिनी टेस्ट लिया था। तो ये मिनी टेस्ट यानी 100 मार्क्स का, तो इस मिनी टेस्ट में हिमांशु को 54 आया है और संदीप को 34 आया है। तो संदीप और हिमांशु का हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स का एनालिसिस करेंगे। संदीप को फर्स्ट क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन था, ये है ऐसे क्वेश्चन, उसमें संदीप को आया है 6, आप देख सकते हैं। और हिमांशु को फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में 12 आया है। तो हिमांशु को 12 क्यों आया और संदीप को 6 क्यों आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ पे संदीप ने क्या लैक किया, संदीप और हिमांशु में क्या उसके आंसर्स में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको 12 आया है, ये हमें देखना है। तो जो ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है विनिंग द सपोर्ट ऑफ विनिंग द सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज अ स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स। उग्रवाद विरोधी प्रयासों में दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय आबादी का समर्थन और विश्वास जीतना एक रणनीतिक आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखोगे तो संदीप का इंट्रोडक्शन एकदम स्ट्रेट और सिंपल है और रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन है। संदीप ने क्या किया, देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में एक लोकल पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, काउंटर इंसर्जेंसी अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके तो लोकल पॉपुलेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट है, इसके बारे में सबसे ज्यादा आपको मेन बॉडी में बात करनी है। और काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हो। तो इसने क्या किया संदीप ने, इसने काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स के बारे में बताया है कि काउंटर इंसर्जेंसी मतलब इंसर्जेंसी कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, माओ आइडियोलॉजी, मतलब ये सब सारे फैक्ट्स दे दिए, फाइन। तो वैसे ही हिमांशु ने भी किया, अगर आप देखोगे हिमांशु का तो इसने भी इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न में, नक्सलाइट, माओइस्ट, जम्मू कश्मीर, ये सारा इसने यहाँ पर विक्टो के फर्स्ट 5 लाइन में इसने बता दिया। उसने सेकंड 5 लाइन में इसने काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में बताया, और जिसमें उसने कहा सपोर्ट लोकल पीपल का सपोर्ट और ट्रस्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर हिमांशु ने अपने पूरे ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को पूरा कैसे एक्सपोज किया, उसने काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में बता दिया, पहले इंसर्जेंसी के बारे में बताया और फिर इसको काउंटर करने के लिए लोकल सपोर्ट की जरूरत है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन में आपका ऐसे क्वेश्चन पूरा एक्सपोज हो गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को टोटली आप एक्सपोज मत करिए फर्स्ट 5 लाइन्स में या फर्स्ट 2 लाइन्स, कभी नहीं एक्सपोज करना चाहिए। और संदीप ने भी नहीं किया, संदीप ने क्या किया फिर यहाँ पर इसने इंसर्जेंसीज के बारे में बताया इंट्रोडक्शन में, और सेकंड पैराग्राफ में ये सीधे आ गया लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट और ट्रस्ट, एकदम सही है। तो अगर आप इन संदीप का आंसर देखोगे तो लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट और ट्रस्ट कैसे हम ले सकते हैं इसके बारे में इसने बताया है, हाउ के बारे में इसने जिक्र किया है कि लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट और ट्रस्ट कैसे लेंगे, उनका ग्रीवेंसेस, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करके उसको एड्रेस करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने एक डेविएटेड कंटेंट दिया है, अगर आप देखेंगे कि पीस टॉक विद इंसर्जेंट ग्रुप्स, तो ये डेविएटेड कंटेंट है क्योंकि लोकल पॉपुलेशन और सपोर्ट ऐसे क्वेश्चन है। पीस टॉक विद इंसर्जेंट ग्रुप क्वेश्चन ये रेलिवेंट कंटेंट नहीं है, रेलिवेंट टू ऐसे क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोकल पीपल के बारे में बताइए, ठीक है। खैर फिर इसने इसे इसको मार्क्स कम मिले और रीजन है। फिर इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके किस तरह से लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट और ट्रस्ट जीता है गवर्नमेंट, ये इसने यहाँ पर बताया है। एक्चुअली यहाँ पे बताया नहीं है, इसने ये बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके भी हम लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दे दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने खुद ही जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया है, प्रमोट इंक्लूसिविटी, और ये बताया है मतलब कैसे लोकल सपोर्ट मिलेगा, ये चीज संदीप ने इसमें एड्रेस किया है। ओके तो इसके कंटेंट में हाउ पर है, फाइन।
और उसने उड़ान स्कीम के बारे में बताया, तो फिर मैंने लिखा सिंपल रेलिवेंट एंड स्ट्रेट कंटेंट है, और फिर इसने कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, कंक्लूड में भी इसने कहा सपोर्ट की जरूरत है फ्रॉम पीपल, फाइन। मगर अगर आप हिमांशु का आप देखोगे तो हिमांशु ने वाई पर ध्यान दिया है कि क्यों हमें सपोर्ट की जरूरत है, और बकायदा इसने एग्जाम्पल भी दिया है। लोकल पॉपुलेशन लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं आर्मीज को, तो इसने गलवान क्लास जो हुआ था उसमें इसने बताया, इसका एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से लॉजिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं लोकल पॉपुलेशन आर्मीज को। ओके, तो इसने किबुती विलेज के बारे में बताया है कि जहां पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आर्मी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो एग्जाम्पल भी दिया है और इसने क्यों पर जोर दिया है, हाउ पर नहीं, क्यों पर। फिर यहाँ पर इसने लोकल कम्युनिटी जो है उनको डीप नॉलेज होती है रूट्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसने कारगिल वॉर का भी, यानी वो हिमांशु क्या कर रहा है, एग्जाम्पल भी देते जा रहा है, वाई का आंसर कर रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है। फिर उसने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि लोकल जो पॉपुलेशन होती है वो इंसर्जेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ मिली हुई रहती है, तो इससे क्या होता है वो लोग काउंटर इंसर्जेंसी में वो लोग बहुत बड़े ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, जैसे स्टोन पेल्टर्स है, तो अगर लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट रहा तो काउंटर इंसर्जेंसी सक्सेसफुल रहे, राइट। तो इसने क्यों पे जोर दिया, और फिर उसके बाद इसने कंक्लूशन में इसने हाउ पे जोर दिया, यानी वाई भी लिखा है और हाउ भी लिखा है, इसीलिए इसको 12 आए। इसने टोपा पिर के बारे में बताया, सद्भावना स्कीम के बारे में बताया, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट विद उल्फा इसके बारे में बताया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ठीक है, क्योंकि ये जो है इंसर्जेंट ग्रुप इनको लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट है तो गवर्नमेंट ने इसके साथ अग्रीमेंट कर लिया, फाइन, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको 12 आए हिमांशु को, और क्योंकि इसने वाई और हाउ दोनों पे जोर दिया है और संदीप ने सिर्फ वाई पे जोर दिया है, सॉरी हाउ पे जोर दिया है, तो मैंने हिमांशु को लिखा है बेटर देन माइन और इसको 12। थैंक यू वेरी मच।